बांसवाड़ा की खंडू कॉलोनी में रिश्तों का खून का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने मां की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पिता के साथ एमपी में दुकान पर काम करने वाले वीनू पांचाल ने घर पहुंचकर पहले तो सोशल मीडिया पर हत्या का मैसेज पोस्ट किया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गया। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर में किसी तरह की हलचल नहीं हुई। ऐसे में अंदर झांक कर देखने पर खून से सना शव देखकर पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह 9 बजे ये पता चला कि मतलब हमारे समाज में मोहल्ले में एक परिवार है जिनके दो बेटे हैं, जिनके पापा भी बाहर है, छोटा बेटा और उसके पापा दोनों बाहर रहते थे, बड़ा बेटा अभी कुवैत में है। सुबह जब 9 बजे पता चला तो उसके बेटे ने रात को क्या मोबाइल पे मैसेज डाला था। इस मैसेज के मार्फत हमको पता पड़ी और उस छोटे बेटे ने उसकी माँ का दर्दनाक हादसा करके और वो खुद भी अपने आप को ये मैसेज करके गया कि मैं गेमन पुल में कूद के अपनी जान ले लूँगा और मुझे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता राजेश सोनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राजेश, पूरा मामला विस्तार से बताएं और ये भी बताएं कि क्या मैसेज जो आरोपी जो हत्यारा बेटा है उसने लिखा था सोशल साइट पर, और क्या अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है कि नहीं? देखिए भारती, ये घटना शायद आज बीती रात की होना सामने आ रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे उसने जो मैसेज डाला था उस युवक ने, वह व्हाट्सएप ग्रुप उन्हीं समाज का ग्रुप था और उसपे लिखा था पंचाल समाज 14 छोकरा, यानी कि उनकी कम्युनिटी जो दो जिले की है उनका ग्रुप बना हुआ था। उसके अंदर उस युवक ने लिखा था रात की 12:30 बजे मुझे माफ करना, अलविदा, मम्मी से झगड़ा किया मैंने, मार दिया और मैं भी जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया आखिर क्यों किया, क्या किया। उसके बाद फिर लिखा गेमन पुल में मेरी लाश निकाल लेना। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद वो घर से नदारद है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जो गेमन पुल का मामला बता रहे हैं वहां पर भी पुलिस ने रेस्क्यू टीम भेजी है, पानी में रेस्क्यू किया जा रहा है। अब उसके अंदर वो शव है या नहीं, ये बात का मामला है, जब खुलासा होगा तब। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर के पूरी जांच में जुट गई है और शव जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है, एवं परिजनों का मानना है कि युवक जिंदा है और उसकी तलाशी की जा रही है। आखिर यह घटना किस कारणों को लेकर के हुई, उस मामले को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा परिवार संपन्न था। एक बड़ा बेटा कुवैत रहता है और पिता भी कुवैत थे जो अभी वर्तमान में आ गए और मध्य प्रदेश के वहां पर जबलपुर में लोहे का कारखाने की दुकान है, वहां काम करते हैं पिता पुत्र। गणेश कार्यक्रम के लेकर के लड़का इधर था और बीती रात को किन्हीं कारणों को लेकर के माँ बेटे के बीच झगड़ा हुआ और क्या हुआ वह जब सामने आने के बाद ही खुलासा होगा। राजेश के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई कि इन माँ बेटे के बीच में कैसा रिश्ता था? और दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठता है, जैसा कि आपने बताया कि जो पति हैं वो अब पहुंच चुके हैं वहां पर, तो क्या वो साथ में नहीं रहते थे? और उस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो क्या उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था परिवार का सदस्य? देखिए पिता तो जो है वो जबलपुर दुकान में रहते हैं जी, वहीं कभी कभार आना जाना था। बेटा गणेश उत्सव पे चलते यहाँ पर था माँ के पास और माँ के लिए कल पूजा की सामग्री भी लाया देर रात को, और उसी पूजा सामग्री के पास माँ का खून से सना हुआ शव पड़ा दिखा। इसके अलावा तो घर में और कोई नहीं है? जी बिल्कुल कोई नहीं। पड़ोसियों ने भी इस मामले पे नहीं बताया, दोनों ही थे माँ और बेटे, उसके अलावा कोई नहीं था पड़ोसियों में भी, उन्होंने यह मामले खुलकर बताया। जी भारती जी, राजेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता राजेश सोनी फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक्य जो बीती रात पेश आया सभी के बीच में। हालांकि जो आरोपी बेटा है वो अभी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है, जीवित है या मृत ये भी अभी पता नहीं। हालांकि उसने सोशल साइट के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की है उसमें उसने ये बताया है कि वो भी इस दुनिया को अलविदा कहने